हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जो सुपर ट्रेंड के ऊपर बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी है। यानी कि सुपर ट्रेंड मोमेंटम स्टॉक तो होते हैं, लेकिन मोमेंटम में बहुत सारे स्टॉक जो डीप मारते हैं वहां से अपने बाय करेंगे, और वहां से आप इसको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। यानी कि आपका लिमिटेड लॉस में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक का ट्रेंड चालू होता है तो आपने देखा होगा वो स्टॉक एक मतलब एक ही महीने में 15-20-30% भी रैली कर देता है। तो आपको ऐसे स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए, और ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। जो लोग फुल टाइम जॉब करते हैं उनको टाइम नहीं होता, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, रात को घर पे आके स्टडी कर सकते हैं और जो भी स्टॉक आए नेक्स्ट डे बाय करके उसको छोड़ सकते हैं। तो आराम से उनको एक महीने में 15-20-30% का रैली भी वो मिल सकता है। तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। तो गाइज, आज आज की डेट आप देखोगे तो 4 अगस्त 2023 है और 6 अगस्त यानी कि संडे को फ्रेंडशिप डे है। तो गाइज, आप सभी मेरे फैमिली मेंबर जैसे ही हो, फ्रेंड जैसे ही हो, तो ये वीडियो जो भी स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और जब भी मैं वीडियो में लाइक्स मांगता हूँ कि अपने लिए ये वीडियो में इतना टारगेट है, तो आप लोग अचीव कराते हो, तो उनके लिए तो गाइज थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और ये वीडियो स्पेशल आपके लिए आज मैंने बनाया है। वैसे अपने स्ट्रेटेजी अभी धीरे धीरे कम देते हैं, लेकिन आज मैं सोचा कि फ्रेंडशिप डे है तो आपके लिए कुछ अच्छे स्ट्रेटेजी लेके आओ। देखो गाइज, ये स्ट्रेटेजी में बहुत कम स्टॉक मिलेंगे, बहुत कम यानी कि करीब 500 500 5,000 स्टॉक है। उसमें से आप फिल्टर करोगे तो आपको उसमें से दिन में एक या दो स्टॉक ही मिलेंगे, लेकिन बहुत एक्यूरेसी इसकी 90% से भी ज्यादा है। तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है। तो आपको करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटेजी में क्या क्या इंडिकेटर अपने यूज करने। तो गाइज, अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में आपने सोचा भी नहीं होगा इतने इतने अपने रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, प्रॉपर आपका स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं, जब भी बड़े प्रॉफिट वो ले नहीं पाते, या तो उनको कोई होता नहीं है, मेंटर नहीं होता जो बोल सके कि आपको पूरा प्रॉफिट लेना है, स्टॉप लॉस टारगेट को ट्रेल कराना है। जैसे कि आज की बात करो, फ्राइडे, आज 4 अगस्त फ्राइडे का दिन है, तो यहाँ पे एक एचबीएल पावर लिया था, 176 वाला स्टॉक 205 गया, तब मैंने क्लियर कर लिखा था 212 का टारगेट है, और 212 का टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो 20% 8 डेज में मिला, कितने, 8 दिन में। तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे तो नॉमिनल चार्ज में आप आराम से ये सब सीख सकते हो कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, और वहां पे भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रीमियम मैसेज पिन मैसेज में जाओगे तो ये जो अभी टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, सीधा यहाँ पे पिन मैसेज में आपको जाओगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो नॉमिनल चार्ज में आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अपने लाइव सेशन भी लेते हैं, जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आता है तब भी अपने सडनली लाइव सेशन लेके आपका जो भी डिसिप्लिन होता है, जो मतलब हिला होता है, उसको अपने बूस्ट देते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं। तो ये सब आपको सब सीखने को भी मिलेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो सब सीखने को मिलेगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी अपने चलेंगे सीधा स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा आपको। पहले इसमें दो इंडिकेटर यूज करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा डेली चार्ट में बहुत अच्छे से काम करती है। तो आपको करना क्या, डेली चार्ट पे प्रैक्टिस करना है। अगर आप इंट्राडे करना चाहोगे तो भी मैं बताऊंगा कि इंट्राडे में कौन से टाइम फ्रेम में करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो डेली चार्ट में सबसे ज्यादा इसमें एक्यूरेसी आती है। तो देखो गाइज, आपको एक्यूरेसी से मतलब होना चाहिए, डेली चार्ट हो या वीकली चार्ट हो उससे कुछ लेना देना नहीं। तो अपने इसमें दो इंडिकेटर यूज करते हैं गाइज, ध्यान से देखना स्ट्रेटेजी में। पहले अपने मैं आपको बता दूं कि जीरोधा का काइट यूज करता है, वो आपको ध्यान में रखना है। जीरोधा का काइट में दो आते हैं, एक चार्ट आईक्यू आता है, आप सेटिंग में जाके जाओगे तो चार्ट आईक्यू आता है, दूसरा आता है ट्रेडिंग व्यू आता है। तो आप चार्ट आईक्यू में जाओगे तो इसमें आपका थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, आपने पहले स्टडी में जाके सुपर ट्रेंड लगाया, तो सुपर ट्रेंड की अपने आपको यहाँ पे वैल्यू क्या करनी, चेंज करनी है। 7 और 3 आएगी तो आपको पीरियड तो 7 ही रखना है, ध्यान से देखना गाइज। मल्टीप्लायर आपको यहाँ पे चेंज करना है, कितना करना है, मल्टीप्लायर को 2 कर देना है, क्योंकि अपने मोमेंटम स्टॉक ढूंढ रहे हैं, ऐसा साइडवेज वाले स्टॉक नहीं चाहिए। मोमेंटम स्टॉक में हल्का सा डिप मारता है, जैसे कि ऊपर से हाई से 2-3% नीचे मारता है, वहां पे फिर से एंट्री लेके वो जो भी राइड है, मतलब जो भी ट्रेंड है उसको अपने राइड करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर आपको 2 कर देना है, यहाँ से डन करना है। तो ये सुपर ट्रेंड का हो गया सेटिंग। अभी स्टडी में फिर से जाना है, और अभी मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है, इंडिकेटर का नाम है, यहाँ पे देख सकते हो इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स ऐसा लिखा होगा, स्टडी में जाके देखोगे तो इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स आएगा, उसको लगा देना है। और इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना,
यहाँ पे सेटिंग में आपको फिर से बता देता हूँ, इसका सेटिंग बाय डिफॉल्ट आपको पीरियड 20 आएगा, ओवरबॉट की वैल्यू 70 आएगी और ओवरसोल्ड की वैल्यू 30 आएगी। तो अभी अपने जो भी स्ट्रेटेजी बात कर रहे हैं वो बाय के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अपने कैश सेगमेंट में ये स्टॉक ज्यादा आते हैं तो उसमें आपको सेल नहीं कर सकते पोजिशनली, तो वो आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए अपने पोर्टफोलियो स्टॉक सिलेक्शन अगर करते हो तो वहां पे आपको स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। तो यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर मधेसन सुमी का स्टॉक मैंने ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे स्टॉक को कैसे बाय करना है तो मैं आपको अभी रूल समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पे स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली नीचे से दिखाई। आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से देखो अच्छी रैली ऊपर की साइड दिखाई, लेकिन आपको कब बेनिफिट हुआ? आप ध्यान से देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ से ऊपर गया नीचे आया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कब बाय करना है। स्टॉक तो ऊपर चला ही जा रहा है, अभी भी चला जा रहा है, अभी भी ऊपर जा रहा है। तो इसमें रूल से है कि आपको सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉक होना चाहिए। तो ये वो तो आपको नॉर्मली सबको पता है कि बाइंग के लिए सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉक होना चाहिए, ग्रीन लाइन नीचे होनी चाहिए, सिंपल सा है इसमें। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इंट्राडे मोमेंटम 20 जिसकी वैल्यू अपने को क्या करना है, बाय ऑन डिप करना है, तो क्या होना चाहिए, नीचे की साइड यानी कि ओवरसोल्ड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ही सुपर ट्रेंड के यहाँ से ग्रीन हो गया स्टॉक, तो यहाँ से देखो ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो माइनस सॉरी यहाँ पे 30 के बिलो आनी चाहिए, बाय ऑन डिप है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आपको दिख रही है 70 और 30 का। तो आपको करना क्या है, देखो गाइज इसमें इसकी कोई इंट्राडे मोमेंटम का आपका स्कैनर देखने जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन से स्कैनर से आपको इसको स्कैन करोगे तो दूसरा इंडिकेटर है, लेकिन उसके जैसे ही काम करते हैं। तो आप वीडियो पूरा देखोगे तो वीडियो के एंड में मैं आपको स्कैनर भी बताऊंगा कि कौन से स्कैनर से आपको फिल्टर करने, क्योंकि 5000 स्टॉक है, आप 5000 तो एक वन बाय वन कर नहीं सकते, तो वो मैं स्कैनर बताऊंगा, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं अभी आपको जो अच्छे स्टॉक आए वो बताता हूँ, उसके बाद आपको कौन से स्टॉक में अवॉइड भी करना है, यानी कि उसमें अवॉइड भी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आने वाले वीक में कौन से स्टॉक आ सकते हैं वो भी मैं आपको दो स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले वीक में आप एंट्री ले सकते हो। आने वाले वीक यानी कि यहाँ पे आपको डेट दिख रही है, क्योंकि ये वीडियो अपना स्ट्रेटेजी का है तो वो आप कभी भी देख सकते हो, तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा रूल्स है, सुपर ट्रेंड के ऊपर इसकी वैल्यू माइनस नहीं बोल रहा मैं बार बार, 70 और 30 है, तो 30 के बिलो यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे आए, उसकी वैल्यू ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, उसके नीचे आई। तो अभी आपको बाय कब करना है, जब भी इसकी वैल्यू 30 के नीचे आती है तो यहाँ पे जो भी कैंडल बनती है उसका हाई के ऊपर आपको बाय करना है। और अभी आप सोचोगे कि बाय तो कर लिया, यहाँ पे एग्जिट कब करना है, तो एग्जिट के लिए कैसा है कि आपको या तो सुपर ट्रेंड के नीचे डेली क्लोज दे तब एग्जिट करना है, या तो जो भी रिसेंट लो मारा, जैसा कि ये समझो कि कैंडल ने नीचे ज्यादा लो मारा और उसके बाद ऊपर क्लोज दिया तो इसका लो, तो आपको वो देखना है कि जो मैक्सिमम लो होगा उसके नीचे आपको डेली क्लोज देना है, क्योंकि अपना ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप है तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर ये स्ट्रेटेजी में आप समझो कि यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे देखोगे तो इसकी वैल्यू आई थी 19 जून 2023 को आई थी, जब उसने 83 का लो मारा था, 83.3 का हाई था। तो आपको कब बाय करना है, राउंड फिगर अपने 84 ले लेते, तो नेक्स्ट डे देखो कॉल एक्टिव हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक्टिव हो गया, तो आपको यहाँ पे तो पता चल गया कि ये मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकता है। उसके बाद देखो 83-81 का लो मारा, तो उसके बाद दूसरी कैंडल ने भी 81 से नीचे लो नहीं मारा, अगर 81 से नीचे लो मारता है तो वो आपका डिसीजन कैंडल चेंज हो जाता है, उसके ऊपर बाय करना था। तो मैक्सिमम जो कैंडल लो मारेगा उसके ऊपर आपका बाय बन जाता है, तो यहाँ पे 84 पे आपका बाय बन है। उसके बाद स्टॉक का भी देखो 96 चल रहा है, आपको ट्रेंड फॉलोइंग है, इसमें आपको कभी कभी एक महीना दो महीना भी लग सकता है, वो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इसमें रिटर्न बहुत बढ़िया होते हैं। तो मैंने आपको दो क्राइटेरिया बता दिए, आपको एंट्री कब करनी है, जो भी ऊपर से स्टॉक आता है और जो भी मैक्सिमम कैंडल का लो होता है उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है, तब देखना है कि इसकी वैल्यू 30 के नीचे भी आनी चाहिए इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स की वैल्यू, और उसके हाई के ऊपर आपका बाय बनता है, और जो भी मैक्सिमम लो होगा उसके नीचे डेली क्लोज देना है। या तो फिर आपको क्या करना है, आपको पूरा ट्रेंड का नहीं लेना, तो आप 1:2 का भी प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया मदरसन सुमी, जो डेली चार्ट के ऊपर अपने मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अभी मैं आपको एक दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है हेरिटेज फूड। हेरिटेज फूड में अपने डेली चार्ट के ऊपर ही एनालिसिस कर रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखोगे तो हेरिटेज फूड में भी आपको बाय मिला था, कहाँ पे मिला था, क्लियर कट अपना रूल्स क्या है, सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉक होना चाहिए, तो आपको मोमेंटम मतलब ये तो पता चल गया कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन आपको डिप का राह देखना है, क्योंकि मोमेंटम इंट्राडे आपको क्या बता रहा है,
कि कोई भी स्टॉक सीधा नहीं जाता, जैसे कि यहाँ से सीधा एक्यूमुलेशन गया, उसके बाद वो कंसोलिडेशन में जाता है, वहां पे आपको देखना है कि इसकी वैल्यू 30 के नीचे आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखो कम से कम 10-15 दिन उसकी वैल्यू 30 के नीचे ही थी, तो ये आपका बाइंग जोन है, वहां पे आपको बाय करना था। और वहां से देखोगे तो स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई और आपके हाई पी मारा, अगर वहां पे आपको ट्रेंड फॉलोइंग तो आपका रेड कलर की कैंडल वहां पे आपका यहाँ पे एग्जिट बनता है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो स्टॉक ने बहुत अच्छा आपको रैली दिया, क्योंकि ये बाय एंड डिप है, तो यहाँ पे आपको लॉस रहेगा वो लिमिटेड रहेगा, लेकिन जब आपके फेवर में ट्रेंड चला जाएगा तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी दे सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको ट्रेंड फॉलो पूरा नहीं करना है तो 1:2 का भी टारगेट आप ले सकते हो। तो हेरिटेज फूड में भी बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखोगे तो करीब स्टॉक कितना चल रहा था 27 जून 2023 को, यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम लोग कितना मारा था आपको ध्यान में रखना है 208.2 का, और उसका हाई था 214 का। तो वो जैसे 214 के ऊपर आपको जो भी आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम जो कैंडल लो मारता है ऊपर से उसके हाई के ऊपर ही आपको बाय करने का ट्राई करना है, और उसके लो आपका स्टॉप लॉस नहीं हो जाएगा, आपका ट्रेंड फॉलोइंग, क्योंकि मैक्सिमम जिसका होगा या तो क्या होगा ये इसका होगा या तो ट्रेंड सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज दे तब आपको एग्जिट करना है। तो ये अपना दूसरा हो गया सेटअप। हेरिटेज फूड में भी 214 के बाद स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी और आपको अच्छा रिटर्न दिया। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा। देखो गाइज, आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और अब वीडियो के देखने के बाद आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, अगर कोई सेटअप में आता है सैटरडे संडे आप स्टडी करके मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर ये स्टडी में स्टॉक आया था, स्टॉक का नाम और कौन से टाइम फ्रेम में आया था और कौन सी डेट पे आया था, वो भी मुझे बता सकते हो कमेंट करके। तो यहाँ पे देखो मैन इंफ्रा में डेली चार्ट में कितनी अच्छी रैली दिखाई, लेकिन आपको पता नहीं कब बाय करना है। तो यहाँ पे देखो मैन इंफ्रा में यहाँ पे इसकी वैल्यू 30 के नीचे आई थी, इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स की वैल्यू, तब यहाँ पे कहीं स्टॉक चल रहा था। तो अभी आपको बाय कब करना था, तो जैसे ही यहाँ पे लो मारा तो इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लो ये था, तो ये आपका बाय ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एंट्री चालू मार्केट में ले सकते हो, क्योंकि अपना रूल्स कैसा है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है उसके बाद नीचे जो लो मार के ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपका अगर एक बार बाय हो जाता है तो यहाँ पे से आप ऑलरेडी बाय कर सको। जैसे कि यहाँ पे मैक्सिमम लो एक कैंडल का था, उसके हाई के ऊपर भी स्टॉक ऑलरेडी चला गया है, और उसके बाद देखोगे तो इंट्राडे मोमेंटम की वैल्यू 30 के नीचे उसके बाद आई, यानी कि करीब एक कैंडल के आसपास आई है, तो आप यहाँ पे बाय कर, क्योंकि आपको पता चल गया कि स्टॉक ने ऑलरेडी रिवर्सल मार चुका था, आप यहाँ पे वेट नहीं कर सकते, सीधा बाय करके स्टॉक ने देखो अभी भी अच्छा चल रहा है, आपको करीब यहाँ पे 112-115 के आसपास आया था, स्टॉक अभी 145 चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि ये मोमेंटम स्टॉक है और अच्छे से ट्रेंड फॉलोइंग करते हो तो आपको इसमें मल्टीबैगर रिटर्न भी मिल सकता है। अभी मैं आपको एक और स्टॉक देता हूँ जिसका नाम है बीबीएल। बीबीएल में भी आप देखोगे तो डेली चार्ट में बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं आपको समझाने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बीबीएल में भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट क्या था, इंट्राडे मोमेंटम की वैल्यू 30 के नीचे आई थी, सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉक था, तो यहाँ पे आपका यहाँ से रिवर्स जब भी मारता है मैक्सिमम कैंडल जो लो मारता है उसके कैंडल के हाई के ऊपर आपका बाय बनता है, और वहां से स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई। अभी आपको यहाँ पे एग्जिट कब करना है, समझो आपने एंट्री यहाँ पे ले ली तो आपको देखना है कि सुपर ट्रेंड का लो जाता है या जो आपका रिवर्सल कैंडल का, तो सुपर ट्रेंड का लो, तो ये आपका ट्रेंड फॉलोइंग हो गया, और अभी भी आपको कॉल अभी भी एक्टिव ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेंड फॉलो करते हो तो आपको सुपर ट्रेंड के नीचे ही आपको एग्जिट करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये अपना हो गया अच्छे ट्रेड के एग्जाम्पल। अभी मैं आपको एक लास्ट में अपने ले लेते हैं एसएमएस फार्मा। तो एसएमएस फार्मा में भी डेली चार्ट में अपने देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे भी आपको क्लियर कट एक बाय सिग्नल आया था। यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस कौन सा लेना है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इंट्राडे मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई थी, 30 के नीचे आई थी, सुपर ट्रेंड के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ऊपर से स्टॉक गिर रहा था, तो मैक्सिमम कैंडल ये कैंडल का लो था, यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल के हाई के ऊपर आपका बाय बनता है और इसके ऊपर ही आपको बाय करना है, तो यहाँ पे करीब आपका बाय बनता है। अभी आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, तो स्टॉप लॉस नॉर्मली सुपर ट्रेंड के नीचे होता है, लेकिन एक कैंडल ने सुपर ट्रेंड के नीचे भी हल्का सा गया हुआ है, तो ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए। स्टॉक समझो कि यहाँ से अगर नीचे आता तो आपका सुपर ट्रेंड के नीचे नहीं इसके नीचे होता है, वो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन जैसे ही सुपर ट्रेंड ऊपर हो जाती है ट्रेंड फॉलो होता है अभी उसके बाद आपको इसके नीचे क्लोज देना है। शुरुआत में आपको अगर सुपर ट्रेंड ऐसे फ्लैट में जा रही है तो और स्टॉक यहाँ से गिरता है तो आपको इसके नीचे करना है, लेकिन जैसे सुपर ट्रेंड की वैल्यू धीरे धीरे ऊपर चली जाती है उसके बाद सिर्फ आपको सुपर ट्रेंड को ही फॉलो करना है, वो आपको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे आपको मैंने अच्छे स्टॉक बता दिए, अभी मैं आपको दो ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो आपको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक आपको पता चल ही जाएगा कि वो स्टॉक मोमेंटम में, लेकिन बहुत सारे स्टॉक साइडवेज में भी ऐसे पैटर्न बनती है। जैसे कि आरजीएल एक स्टॉक है, डेली चार्ट में देखोगे तो आरजीएल में एक सेटअप बना है। यहाँ पे रूल्स क्या है, सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉक होना चाहिए, इंट्राडे मोमेंटम इंडेक्स की वैल्यू 30 के नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से तो स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप क्लियर कट देखोगे तो स्टॉक कुछ मूवमेंट ही नहीं है, साइडवेज में जा रहा है। तो यहाँ पे आप पैसे लगाओगे तो आपके इतने बनने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे साइडवेज स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो। उसका एक दूसरा भी एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि स्टॉक सही में साइडवेज, आपको क्लियर कट पता चले जाएगा कि मोमेंटम स्टॉक है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे भी स्टॉक का नाम क्या है, ITI। तो यहाँ पे भी देखो इसकी वैल्यू 30 के नीचे आई है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, साइडवेज में ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप एंट्री लोगे तो भी आपका पैसे ज्यादा बन नहीं पाएंगे, क्योंकि साइडवेज में स्टॉक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अभी गाइज मैं आपको दो स्टॉक बताता हूँ जो आपको आने वाले वीक में आप इसमें एंट्री ले सकते हो। उससे पहले मैं आपको स्कैनर बता देता हूँ। तो स्कैनर में गाइज ऐसा है कि आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ स्कैनर, स्कैनर में आपको लिखना है, गूगल में जाके लिखना है विलियम सार स्कैनर। तो वो आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। आप गूगल में क्या लिखोगे, विलियम्स आर लिखोगे, विलियम्स आर स्कैनर लिखोगे तो सीधा चार्टिंग का आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। तो वो आपको पहले ओपन करना है। देखो गाइज जो अपने स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसका तो कुछ है नहीं स्कैनर, लेकिन मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ जो स्कैन करके आप वही सेम स्टॉक मिल सकते हैं। तो आपको इसका ही फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर स्कैनर है नहीं। अगर आपके पास है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला, इसलिए मैं आपको अल्टरनेटिव उसका दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो आप जैसे ही विलियम्स आर स्कैनर गूगल में लिखोगे तो पहले ये खुल जाएगा कैश सेगमेंट में। यहाँ पे देखोगे तो विलियम्स आर हंड, तो यहाँ पे आपको चेंज करना है, विलियम्स आर 100 करना है। आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू देखना है, विलियम्स आर 100 करना है, ग्रेटर देन -20 होना चाहिए। तो आपका एक ये इंडिकेटर हो गया। अभी ए इंडिकेटर को आपको करना क्या है, यहाँ से कॉपी करना है। तो यहाँ पे रेड कलर पे आप दबाओगे तो यहाँ से आपका ओके करना है, तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी के बाद यहाँ पे आपको पर्पल लाइन पे जाना है और वहां पे उसको पेस्ट कर देना है। तो आपको दो इंडिकेटर मिल गए। तो यहाँ पे लेटेस्ट यानी कि, लेटेस्ट यानी कि वो डेली चार्ट होता है, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट ही रखना है, विलियम्स आर 100 रखना है। वैल्यू यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अपने पहला जो रहेगा उसका विलियम्स आर 100 ग्रेटर देन -20 पहला हो गया, यानी कि वहां से अपने को पता चलेगा कि स्टॉक मोमेंटम में। अभी दूसरा जो आपने लगाया पे कॉपी पेस्ट करके, उसका क्या मतलब है, बाय ऑन डिप के लिए। तो यहाँ पे लेटेस्ट तो रखना है, लेटेस्ट यानी कि डेली चार्ट विलियम्स आर, और इसकी वैल्यू अभी 100 नहीं करनी है, यहाँ पे आपको 14 कर देनी है। ध्यान से देखना गाइस आपको पता चलेगा 14 करनी है। अभी अपने को बाय ऑन डिप करना है, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू, क्योंकि पहला जो है वो तो मोमेंटम के लिए ऊपर की साइड, लेकिन ये अपने को लेस देन, यहाँ पे वैल्यू इसके आपके पूरी चेंज हो जाएगी, -80 करना है। तो यहाँ से -80 हो गए, तो अपने दो हो गए पहले ऊपर और नीचे, और यहाँ से आपको क्या करना है, रन करना है। देखो जैसे ही आप रन करोगे तो आपको स्टॉक फिल्टर होके आ जाएंगे। आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ उसके कितने स्टॉक आ रहे हैं करीब, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। नीचे देखो सिर्फ 15 स्टॉक ही आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 15 स्टॉक। लेकिन आप अगर 15 स्टॉक में जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, बहुत मेहनत करोगे तब जाके मे बी एक स्टॉक मिले। इसलिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन -80 नहीं करेंगे, हल्का सा थोड़ा उसको टाइम देके -60 कर देंगे। कितना करेंगे, पहला तो रहेगा उसकी विलियम्स आर 100 माइनस ग्रेटर देन -20 रहेगा, लेकिन जो दूसरा कॉपी करके लगा है यहाँ पे उसकी वैल्यू विलियम्स आर 14 की वैल्यू लेस देन -60 करेंगे, और यहाँ से आपको रन करना है। जैसे ही रन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 15 स्टॉक आ रहे थे वो नीचे बढ़ के यहाँ पे देखोगे तो 93 हो गए। तो ये बहुत बढ़िया स्कैनर है, यहाँ पे अभी आपको वन बाय वन चेक करना है, और सबसे बेस्ट है आप पीछे से चेक करो, जो रेड कलर के ऑलरेडी आज स्टॉक गिरे है वो आपको एंट्री मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे रेड कलर के जो जो स्टॉक गिरे है वहां से आप वन बाय वन चेक कर सकते हो। तो उसमें से ही मैं आपको लेके एक बता रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। तो इसमें से देखो एक स्टॉक जैसे कि यहाँ पे 57 नंबर का है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 57 का मुंजाल ऑटो, जो अभी अपने यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं मुंजाल ऑटो जो आने वाले वीक में आ सकता है, तो वो स्कैनर से भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। 95 स्टॉक आएंगे तो आप पीछे से जाना, क्योंकि अपने को गिरे हुए स्टॉक को ही लेना है,
ऊपर वाले स्टॉक को ग्रीन जो ऑलरेडी उसको तो लेना ही नहीं, तो आपको वो भी फिल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो रूल्स के हिसाब से स्टॉक अभी भी ट्रेंडिंग में, प्रीवियस में आप देखोगे तो कोई रिजेक्शन है नहीं। तो ऐसे स्टॉक रिजेक्शन कैसे पता चलता है, यहाँ पे अगर कुछ ऐसा रिजेक्शन होता है तो अपने बोलते हैं कि स्टॉक साइडवेज में, लेकिन अभी आप देखोगे तो स्टॉक साइडवेज में है नहीं, तो यहाँ पे आ गया स्टॉक। देखोगे तो इसकी वैल्यू इंट्राडे मोमेंटम की 30 के नीचे, सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल ए वाली है देखोगे तो। अब तो इसके हाई के ऊपर आपका बाय बनता है और इसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जब तक ये आपका समझो कि बाय होके फ्लैट रहता है तो इसके नीचे क्लोज करना है, जैसे ही स्टॉक ऊपर जाता है तो सुपर ट्रेंड को आपको फॉलो करते जाना है। तो आने वाले वीक में आप मुंजाल ऑटो पे ध्यान दे सकते हो। एक कैंडल का हाई कितना है, 57.6 है, 54.3 का लो है, तो आप राउंड फिगर 58 के ऊपर स्टॉक को बाय कर सकते हो, और 54 क्योंकि सुपर ट्रेंड के भी स्टॉक नीचे गया था, तो आपका क्लोजिंग कौन सा होना चाहिए, 54 के नीचे डेली क्लोज दे तो आपको एग्जिट करना है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, आने वाले वीक में इस स्टॉक में आप नजर रख सकते हो। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जो सेम आप यहाँ पे देखोगे तो स्कैनर में ही आया है, आपको वन बाय वन चेक करते रहना है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से अपने दूसरे पेज पे चलते, यहाँ से मैं आपको एक स्टॉक बता रहा हूँ जो ऑलरेडी मैंने फाइंड करके ही रखा था कि अपना भी टाइम बच जाए। यहाँ पे देखो 49 नंबर का स्टॉक आया था, इसमें ये सब आप मैंने ऑलरेडी चेक करके ही रखा हूँ, तो आपको उसमें मेहनत नहीं करनी, और आपको ये गाइज रोज रात को करना है क्योंकि रोज रात को आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी जैसे 54 जो भी स्टॉक आया है वो रोज रात को आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखोगे तो एनएच ये स्टॉक में भी बहुत बढ़िया आया है, देखोगे तो इसकी वैल्यू 30 के नीचे है, सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉक चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम लो कौन सा है, यहाँ से देखोगे तो स्टॉक गिरते गिरते ये वाली कैंडल का, तो आपका ऑलरेडी कॉल एक्टिव हो चुका है, तो अभी आपका सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज देगा तो एग्जिट है। यहाँ से स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है। तो ये अपने दो स्टॉक हो गए जो आप अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो, आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपको सब डेटा मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।